अभी हम लोगों के समझ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है, कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं, हम नहीं समझ में बात एक चीज हम बता देते हैं कि हम बराबर कहते हैं, किसी घटना के बारे में पूछिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई नेता क्या बयान देता है, हम बयान पर बयान नहीं देते, हम किसी तथ्य पर बयान देते हैं। अगर कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए कि इन्होंने क्या कहा। अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। आपको अगर किसी चीज के बारे में किसी तथ्य के बारे में, अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोगों के कारण, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से, जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे, ये बताइए गाय, क्योंकि हम लोग तो कल भी हमने कहा था कि आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं, कभी मार देते हैं। कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल मुख्यमंत्री जी किसी बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसको, कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, इसलिए विधायक और खास तौर से आखिर बीजेपी की इतनी नजर क्यों है जेडीयू में कि ऊपर की बीजेपी चुप बीजेपी की नजर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कह दिया है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार। और कोई बात है, अभी हम लोगों के समझ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा।